बिहार में कोरोना का मामला बढ़ने लगा है, लगातार 100 से अधिक केस मिल रहे हैं। और आपको बताते चले कि बिहार सरकार जो है वो लगातार लोगों को जागरूक करने में लगी है, इसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के ही सार्वजनिक स्थल पर निकलते हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे, और पटना जंक्शन पे आप ये तस्वीर में आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पटना जंक्शन की ये जो तस्वीर है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मास्क नहीं लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। रेलवे प्रशासन भी लाख दावा क्यों ना करे, लेकिन जो तस्वीर है वो तस्वीर देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम चलते हैं अब टिकट काउंटर के पास में, और टिकट काउंटर के पास में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ता है। ये आप पूरी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो लोग भी बैठे रहते हैं कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क जो है, लेकिन बिहार में लगातार आए दिन 100 से अधिक केस कोरोना के मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रेलवे प्रशासन सजग और सतर्क देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से मामला बढ़ रहा है, रेलवे स्टेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म पटना जंक्शन है जो हज़ारों की संख्या में यहाँ यात्री पहुँचते हैं, लेकिन तौर पे अब हम पहुँच गए हैं यहाँ टिकट काउंटर पे। अब टिकट काउंटर पे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आरपीएफ मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आरपीएफ की जो टीम है, वो जो महिला कांस्टेबल है, वो बैठी हुई हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें, मास्क की बात करें, तो आप तस्वीर में देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे टिकट काउंटर पे आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आप देखिए, अपने आप में देख करके आप अचंभित हो सकते हैं कि ये तस्वीर है रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर का। पटना जंक्शन है और पटना जंक्शन का टिकट काउंटर, और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है, सब लोग अपने टिकट कटा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिन मास्क के ही टिकट काउंटर पे पहुँचे हुए हैं। रेलवे प्रशासन भले लाख दावा क्यों ना करे, लेकिन आप देख सकते हैं। तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं, सर एक सेकेंड, हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ और लोगों से। यहाँ पर बहुत भाई, कहाँ जाना है आपको? सर हमको तो कानपुर जाना है। अच्छा, कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है, आप देख रहे हैं लाइन में काफ़ी भीड़ है, सोशल डिस्टेंस, रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रहा? नहीं, जो एनटीपीसी इंजाम है ना, उस होम सेंटर देना चाहिए था, ठीक है, वो लखनऊ कानपुर दे दिया है। बात करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के लाइन में खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन हो रहा है। यस सर, तो ये तो इनको माने कि इनका प्रॉब्लम है, डिस्टेंस नहीं बना रखे हैं, या कोई इनका कोई सुविधा नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये रेलवे प्रशासन की लापरवाही होगी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जब यहाँ अभी हमारी टीम पहुँची है, अभी हम लोग पहुँचे हैं पटना जंक्शन पे और टिकट काउंटर के पास, तो आरपीएफ की दो महिला कांस्टेबल हैं, वो लोग अब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही हैं। और उनसे ही जान लेते हैं कि उस समय से बैठी हुई थी और अब सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाने के लिए ये लोग घूमना शुरू कर दी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और कितना पालन हो रहा है आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम बात करते हैं, मैडम यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो पा रहा है? जी पालन तो हम लोग अपने तरफ से पूरा कर रहे हैं, लोग भी उसका भरपूर हम लोग का सहयोग कर रहे हैं, सब मास्क लगा कर आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। लेकिन आपके सामने तो सोशल डिस्टेंसिंग कोई भी देखे तो कोई भी डिस्टेंस में है। अब ये पब्लिक को क्या कर सकते हैं, हम लोग तो अपने भर ही कर सकते हैं, हम लोग उनका हाथ पकड़ के उनको साइड तो नहीं करवा सकते, हम लोग तो अपने तरफ से सिर्फ बोल ही सकते हैं उनको। निश्चित तौर पे रेलवे प्रशासन जो दावा कर रही है कि हर सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाया जा रहा है, और इस कड़ी में आपको बताते चले कि टिकट का भी दाम बढ़ाया गया, प्लेटफॉर्म टिकट का 10 रुपये से 50 रुपया कर दिया गया कि लोग अनावश्यक प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। लेकिन तस्वीर अपने आप में देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग पालन न के बराबर है। बहुत सारे ऐसे भी अभी लोग हैं जो बिना मास्क के ही रेलवे स्टेशनों पे प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से प्रदेश में फिर से कोरोना एक बार विस्फोट हुआ है, लगातार आए दिन मामला बढ़ते जा रहा है, ऐसे में रेलवे प्रशासन को भी काफ़ी सजग और सतर्क रहना पड़ेगा। सहयोगी अरविंद राठौर के साथ नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।